हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में। टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में आते हैं हमारे पास तीन प्रकार की लैंग्वेजेस: लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मिड लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में आते हैं मशीन लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। बाइनरी में असेंबली लैंग्वेज होती है। साथ साथ इसके बाद अब हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो फोरट्रेन, पास्कल, कोबोल, ये होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। फोरट्रेन, पास्कल, कोबोल, ये हमारी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। मिड लेवल लैंग्वेज होती है सी, सी प्लस प्लस और जावा, ये होती है मिड लेवल लैंग्वेज। तो तीन प्रकार की लैंग्वेजेस होती हैं: लो लेवल, हाई लेवल, मिड लेवल। लो लेवल में होती है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल में होते हैं फोरट्रेन, पास्कल और कोबोल। और मिड लेवल लैंग्वेज में होते हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा। कंप्यूटर लैंग्वेजेस जिसको ह्यूमन समझ सके वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज, और जिसको कंप्यूटर समझ सके वो होती है लो लेवल लैंग्वेजेस, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। और ह्यूमन बात करता है और इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को, तो वो करता है हाई लेवल लैंग्वेज में। लेकिन जो कंपाइलर इंटरप्रेटर वर्क करता है दोनों के बीच में इंटरफेस के फॉर्म पर, तो वो कन्वर्जन करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज, यानी कि लो लेवल के फॉर्म में। और जो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है उसमें आपको जो है कोबोल, कोबोल, फोरट्रेन, पास्कल, यूजल बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा, ये हमारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये लैंग्वेजेस जो हैं कंप्यूटर में बखूबी तरीके से यूज़ की जाती हैं, जब आप जो है कंप्यूटर को यूज़ बखूबी तौर से करना चाहिए। तो ये अगर E=mc² आइंस्टीन मास इक्वेशन होती है, इसका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, तो उसकी ये भी आपको ये जानना होगा कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस किस प्रकार से वर्क करते हैं। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो कंप्यूटर रिजल्टेंट जो होगा वो कन्वर्जन के तौर पे ही देगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।